नहीं मैं डरती हूँ। अरे मैं बहुत डरती हूँ। अच्छा अगर डरती है तो यही यही एक रीजन है कि हाल ही में मतलब कंगना ने कहा था कि देयर आर एक्टर्स हु ability to speak as candidly as Kangana does, and I really, really respect her for that. And maybe in a way she's right that sometimes we do hold back, क्योंकि हम नहीं चाहते कि और maybe that you know you feel like क्यों खामखा बोलना. My dad always says कि there are already so many opinions in the world can do with one less opinion. So I have an opinion, but I'll keep it to myself. But kudos to her because she genuinely speaks really well. Thank you. कुछ ऐसे actors हैं मैं जानती हूँ. आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट. हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते. दिस इज इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए. मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है. सो दिस हैज़ टू चेंज, एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु वट यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, वट यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड. ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ, देखो. और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछे. और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है. हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट, एंड देन यू मेक दीज पीपल योर रोल मॉडल्स? How does that work? So this is not going to work. अब एनडीए की सरकार में तो गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हमारी थोड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लगता है? Well, I just feel well, in a democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, you know, sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. And, you know, as talking about, about me, I think I have had a very, you know, wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें चेंज होती हैं, हमारे ऊपर भी, हमारी पर्सनली भी लाइफ चेंज होगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम देश में इंटरेस्ट लें, बिकॉज हम देशी तो हैं. हम कौन हैं? सो ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ. दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड. एंड ऑल्सो कंगना, मिस्टर नरेंद्र मोदी से आप 2 बार मिली, कुछ बताएंगे उसमें क्या बात हुई है? क्या आपको लगता है अगली बार वापस से मिस्टर मोदी या कोई और कुछ ऐसी बात बताएंगे? वेल देखिए, हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आके हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड जिनकी जो एक्टर भी हैं मेरे साथ धमाल टू में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देयर शॉट इन दैट. तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना? कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास,
तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले, इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स ख़त्म हो रही है, ग्रीन कवर ख़त्म हो रहा है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आपको, आप सो कैसे जाते हैं और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछे? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट एंड देन यू मेक दीज पीपल योर रोल मॉडल्स? हाउ डज दैट वर्क? सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बात नहीं की जाती. एज ह्यूमन, एज इंडियन, यू नो, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस पोजीशन में रहकर भी वो सारी चीजें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते. सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं एंड शी कैन टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो हर. सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स. शी कैन बी हियर, स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट इट, पीपल कैन फॉलो इट. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई कैसे बताऊं? मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया. बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से. और आई थिंक ही डिज़र्व्स, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है. जब यू नो, मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट दैट ही इज़ सो डीवैल्यूड एज अ लीडर ऑफ द कंट्री दैट इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग. सो आई थिंक आई जस्ट एक्सप्रेस्ड माई ग्रेटिट्यूड आप लोगों के सबके बिहाफ से कि हम वी आर एब्सोल्युटली ग्रेटफुल दैट द वे ही हैज हैंडल द सिचुएशन एंड वी फील सेफ इन हिज लीडरशिप. दैट्स द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन वी हैव. लास्ट वन एंड हाफ क्वेश्चन प्लीज. एक मिनट, नहीं नहीं, बहुत सेंसिटिव है ना. जो लास्ट क्वेश्चन है बाद में पूछूंगा, पहले उससे अगर जैसे वैसे अंकिता मिश्रा कहती है हाइपोथेटिकली मत पूछा, लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या आप प्रियंका गांधी के अपोजिट लाइक अ चांस यू वुड बी एबल टू स्टैंड? मुझे तो नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी क्योंकि I really don't think so, Amit, because I have no reason not to. Because am I concerned about the country? I'm absolutely concerned. लेकिन कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो आप पैसों के लिए ना करें ज़िंदगी में. I think as a politician, फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है, कह सकते हैं ना, चार लोग कह सकते हैं मुझे. बिकॉज पॉलिटिशियंस चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती हो फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट? लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पे कभी डाउट कर ही नहीं सकते. जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे? और जो भी आप अनाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के पीआर ने करी होगी, यू नो. सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा. और मुझे बहुत गुस्सा आता है आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को, यू नो. सो कंगना 20 दिन रह गए, इट्स योर बर्थडे. थैंक यू सो मच सुमित. क्या विशेष है आपकी और क्या है, एक बार कुछ पता नहीं, आप यहाँ पे तो कहीं मनाली में? हाँ जी, मैं मनाली में हूँ. वो बड़ा घर बना है उसका, हाउसवार्मिंग कर रही है. भगवान करे, मैं भगवान करे, इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में इंजॉय किए करें, दारू पी. अभी अभी क्या विशेष है नए साल के लिए? व्हाट इज गिफ्ट फॉर सेंसिटिव क्या क्या गिफ्ट आई वांट? क्या चीज आप चाहिए आपको? व्हाट आर यू विशिंग फॉर द इंडियन लीडर्स? ये आप बताएं, आप दोनों अच्छे लग रहे हैं. आई थिंक देश के लिए हम लोग यही चाहते हैं. देखिए हमारा देश आगे आएगा, हमारे देश की तरक्की होगी, तो आप देखिए हम लोग कितना, अब हमारे देश की पर्सनैलिटी, आज पूरे विश्व में जैसे हमारे देश की बात हो रही है, जब उससे भी ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी बन गई. आज लोग मुझे कहते हैं कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, यू नो. सपोज अगर हम लोग, इंडिया इज़ बेस्ट इन द ग्लोब, सो आई वुड बी द बेस्ट एक्टर ऑन द ग्लोब. यू विल बी द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ. Despite the Uri attacks and everything.
However, there were some reports, and if you can clarify, that even Manikarnika had released in Pakistan despite the UPI attacks, and it continued to scream while the Pulwama attack happened. Yeah, see, what happens is that when a film is distributed, they had the DCP, which is the digital copy, उसको उनसे छीनने के लिए आर्मी भेजनी पड़ेगी जो हमने ऐसे ही बाई एयर भेजी थी लेकिन उन्होंने मेरी डीसीपी वापस नहीं लाई. सो द थिंग इज दैट व्हेन यू कैन स्टॉप फ्रॉम फ्यूचर रिलीजेज टू हैपन बट व्हाट इज इन देयर पोजेशन इफ दैट हैज टू बी टेकन फ्रॉम देम यू नो सो इट्स लाइक इट विल बी अगेन द सेम सिचुएशन. Well, definitely yes, yes. If I'm producing a film, that definitely that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. It's hardly, it's almost insignificant, isn't it? But then the argument was, why did it even release in Pakistan even after the Uri attack? We discussed enough about it. Yeah, I think. We can move on to the next question. Well, I think that is. I mean, precisely the distribution and the trade was going like that. I assume because obviously I'm not the minister in charge of the trade, how things are happening in the country. But if you ask me, for me, like, it's very important, the sentiment of the country, the sentiment of the Jawan's family, that is very important. Does it make a significant statement? No. These can be called small steps, you know. But is it, if it, that's all we can do, we should. We must. आपने देखा होगा पहले भी कई सोल्जर्स कैप्चर हुए हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना जो इस तरह से हमारे सोल्जर वापस आए हैं. कई टुकड़ों में तो वापस आए हैं, हमने रिसीव किए हैं मगर इस तरह से रिसीव नहीं किए हैं. तो ये जो है नए भारत की शुरुआत है और आई थिंक हम लोगों का जो स्टैंड है वर्ल्ड में इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक थिंग्स लाइंग डाउन एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू रेसिप्रिकेट द वे यू नो वी आर डेल्ट विद. सो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू हैव. बाद में कर लेंगे प्लीज. चलो लीव इट लीव इट लीव इट सर. यार रोलिंग सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बिजनेस वूमेन सुनना या बिजनेस वूमेन कहलाना कितना पसंद करती हैं आलिया क्योंकि आप आई थिंक इनका जो टैगलाइन है वुमेन ऑफ वर्थ. जब आप वुमेन ऑफ वर्थ कहलाते हो आई थिंक एवरी फर्स्टली वुमेन इज़ ऑफ वर्थ क्योंकि हर औरत कुछ ना कुछ काम करती है अपनी ज़िंदगी में दैट इज़ वर्थ वाइल टू समबडी इन देयर लाइफ चाहे वो काम की तरफ हो या पर्सनल लाइफ की तरफ हो या खुद की तरफ हो. सो आई एम जेन्यूनली वेरी हैप्पी टू बी हियर वेरी ग्रेटफुल टू आउटलुक फॉर यू नो रिकग्नाइजिंग मी और आई होपफुली ट्राई एंड बी वर्थफुल. Alia, congratulations for the award and thank you so much for giving us a kickstart to of Gully Boy. So what was the response that you got? मतलब अभी ऐसा होता है कि लोग आपसे डरते होते हैं भाई. ऐसे हाँ लोग बोलते हैं मुझे आके देख रहे हैं कि तुम में इतना गुस्सा है तुम हमें पटक के मार सकती हो यो चेहरे से दिखता नहीं है. सो आई एम लाइक दैट्स नाइस पीपल कैन गेट अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ मी बट एक्चुअली मैं जिंदगी में ऐसा कभी कुछ करूंगी नहीं. Alia, हमें सुनने मिला है कि you have planned to produce.
produce films. So what's about that? Well, yeah, I have opened my company and hopefully with that company, I shall produce films, content. Yeah. Well, honestly, I'm somebody who wants to be, I love being an actor and I love acting, but in life, मैं और भी कुछ करना चाहती हूँ. तो मैं प्रोड्यूसिंग करना चाहती हूँ, डायरेक्टिंग कभी नहीं करूँगी. आई वांट टू यू नो वर्क फॉर सोशल कॉज, जैसे मेरा को एग्जिस्ट कैंपेन है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन डू विद माय लाइफ, इट्स जस्ट द बिगिनिंग. थैंक यू. ओ इट वॉज अनबिलीवेबल. इतना ब्यूटिफुल, इतना यू नो प्योर स्पिरिचुअल इमोशनल, एकदम इट वॉज इट जस्ट अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टू सी हमारा लोगो आसमान में. लोग कहते कि आसमान को छू लो, हमने एक्चुअली छू लिया अपने लोगों से. होपफुली इवेंचुअली जब फिल्म आएगी आपको सबको पसंद आएगी. सो डेफिनेटली एक्साइटमेंट बहुत शुरू हो गई है और ऑलरेडी कल कलंक का जर्नी शुरू हो रहा है. सो दैट्स टू मच दिस वीक फॉर इन स्टोर फॉर एवरीबडी. तो आगे आगे देखो होता है क्या. ब्यूटिफुल अटायर, हाँ ब्यूटिफुल है और मैं ब्यूटिफुल बनने की कोशिश कर रही हूँ अवार्ड रिसीव करते समय. थैंक यू. ओ इट्स एन अनबिलीवेबल जर्नी. हाँ एनसेंबल है, जैसे कि आपने कहा इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ कास्ट. और फिल्म के जो निर्देशक है मेरे बहुत ही करीब दोस्त है अभिषेक वर्मन, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है इस फिल्म में, हम सब ने किया है. एंड ऑनेस्टली इट्स जस्ट द बिगिनिंग. लाइक आई वॉन्ट यू ऑल टू वेट फॉर टुमारो. बहुत कुछ होने वाला है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज. देर विल नॉट बी वन डल मोमेंट नाउ अंटिल कलंक रिलीज. जी आई थिंक जैसे कि मैंने कहा एवरी वुमन हैज़ सम वर्थ इन समबडीज़ लाइफ, खुद के लाइफ में, किसी और की लाइफ में. आई टेंड टू लुक एट एनी वन फॉर इंस्पिरेशन. मैं आप में इंस्पिरेशन ढूंढ सकती हूँ, आपका शर्ट बहुत अच्छा है. मैं अपनी मम्मी में इंस्पिरेशन ढूंढ सकती हूँ, मैं इनमें इंस्पिरेशन ढूंढ सकती हूँ. उनका लिपस्टिक इतना सुंदर है और वो इतना अच्छा स्माइल कर रही है. इफ़ यू वॉन्ट इंस्पिरेशन इज ऑल अराउंड यू Hopefully the goal and the journey should be that every girl should want to inspire herself. एवरी डे, क्योंकि खुद से इंस्पायर होना और खुद से कम्पीट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. Please move your camera out of the frame, will you? Done. Thank you. Sandeepan, let's go inside now. Come, let's go. Straight inside. Please, 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 move here, please. Such a lovely evening it has been, and Alia, it couldn't have been more beautiful without you. You're just saying that because I'm here. No, I'm not saying it for the heck of it, and I can probably get like a 500 testimonials here. What do you guys say? Obviously, they won't say no. No, but thank you. Thank you for having me here. Thank you for this award. And thank you to everybody. You all are all like so bright and chirpy and energetic, and it's really important that I see energy right now because I'm very, very tired. So it's always lovely to see warm, beautiful, happy faces at the end of a long day. And for your information, we've been here since 4:45. PM? Yes. I've been up since 5 a.m. So I'm about like 10 hours ahead of you. But still, thank you. I was just thinking about all the roles that you have played, and you have played such nuanced characters. Now tell us, what is the kind of preparation that goes into doing these roles really, and how do you select these roles? I select my roles literally how somebody wakes up in the morning and selects what they want to eat. You know, you're on a holiday and you have to go out and you have to pick a restaurant. What do? You go with your gut. Literally, your gut. Because your gut wants some food. But it's just an instinctive feeling that comes from within. And you say, okay, no, I want to eat Indian, or I want to eat Chinese, or I want to eat Thai. Because that's what's coming from within.
when you read scripts and you hear narrations and you hear stories, it can take 3 seconds for you to know, okay, this is what I want to do. I know it seems really sounds really easy, but it's literally that easy. You have to listen to your gut, and it could be at that point that I may be wanting something, but something may come my way. Like I may want to do a comedy, but a drama may come my way, and it suddenly sees me like, oh, I want to do a drama. So I go ahead and do it. There's no clinical thought process to it. It's as simple as choosing, you know, your food or a good pair of socks. And the preparation. I prefer to go with the instinct of my director, because I feel like every director will be different, so every director's process will be different, so hence my process will be different in every film. If I have a fixed process, then somehow or someday I will be the same or the same version of myself. So I keep saying that I'm moody, floaty, fire, desire. The reason I say I'm floaty is because I can literally float along with anyone and follow their lead. And I love doing that. Although I'm a leader, but I like following my director's lead and just discovering the character. I mean, you've grown up in a family of actors and directors. And how has that environment really shaped you as a professional in this space? When I was growing up, I was not really aware of this actor-director kind of vibe. In my head, I was the biggest star, even as a kid. You know, because I used to perform for my grandparents when they used to come home every Sunday. I used to perform in front of the mirror. So I was literally in my own world while growing up. I really understood this actor-director world once I started acting. So as bizarre as it may sound, my parents kept me very away from the limelight and from the entertainment part of their life. It was very functional, our relationship at home, and very family-like, and I was literally in my own world. So, but one thing for sure is that I don't know whether it's because they're actors or directors, but my parents have always brought me up in a way to have my own opinion and have a voice of my own in my own house. Never once did they bestow a certain a thought on us. For example, my father always made us work against the ordinary. So one would say that, okay, your exams are coming, Papa, I'm going to fail. And he'd be like, what? You're going to fail? I'll give you 2 lakhs if you fail. I said, okay. He said, if you get 30%, if you get 70%, I'll give you 50,000. If you get 90%, I will give you 20,000. So he was going backwards, and that just kind of took away that fear of, okay, that I have to perform. Now I will perform because I want to, not because I have to. And that's, imagine, so if that's the route that he took to bring me up, the whole journey was very odd and very beautiful. Generally, there is this thought that star kids have it easy. What are your thoughts around nepotism? Well, my thoughts around nepotism are it doesn't come from a very negative place, because I feel like it exists in every field where in which if you know somebody in a certain field that you want to be a part of, you will help them. But having said that, because I am such so in love with acting and being an actor, that I would be devastated if I hadn't gotten the opportunity. So I am in no place to sit and go like, oh, you know, they don't know what they're talking about. How can you say that? Of course, it feels terrible if you feel like somebody else is getting an opportunity because of their family line. So there is no way to counter that thought. It does exist. But having said that, once you come into the foray, so to speak, the audience chooses you. So if you are working, it's not because you're just getting lucky every time. So there does go some hard work in that, quite a lot of hard work. So while keeping in mind the sentiment, it's also important not to discard a lot of hard work. But as I said, there's no negative thoughts. It's just like, I can't wake up and say sorry that I've been born into this family. But I can definitely say that I will work as hard as possible to prove that I deserve to be here. Sure. Finally, you get to work with your dad in Sadak too. How excited are you about that? I'm petrified to work with my father, because, you know, he keeps looking at me and saying, Alia, there's a wall in front of you. I can't get through to you. And that could be possibly true, because I'm a little guarded, and he's my father, and he kind of knows how I feel, but I don't really want to let my guard down so easily.
So he believes that once he starts directing, the wall's going to drop, which is true. So I'm scared to break that wall because it'll be quite a revelation for me and for our relationship as father-daughter. You're a wonderful, versatile actress. But that apart, you're also a fabulous singer. First of all, where did that come from? Did you go through from the bathroom? Bathroom? It's true. I started singing in the bathroom. I continued singing in the bathroom. You didn't learn formally? Not at all. I never learned. When I was in the school, it went gaga. We used to do on all our skins. But professional training I've never taken. Yeah, it's come from the bathroom. Just a couple of lines. Which song? It's a very difficult song. It's a mother song. Samjhava. Huh? Urta? Ek kudi, no? That's easy. The reverb really does it. Just one last question by a person who, from our women followers who wanted to ask a question. It was a wonderful question. May I just call upon the person to come up on stage and ask the question, please? Recognition, whatever it is, you should not demand it, you should command it. And the only way you will command it is through your talent and through what you bring to the table. So I always believe less is more. Never try too hard. Do what you feel is right from the heart, over using the head, and never translates as true. And always, you can always see through it. So I prefer to be more heart than head. Thank you, Alia. You've been an absolute delight and it's been a great evening. Thank you for being such a sport. Thank you. Really appreciate it. Thank you for the award and thank you everyone. Apart from reaching great heights, we do hope that as you become an even bigger celebrity, keep it fervor. Just keep it lively just as you have done today and forever. Ladies and gentlemen, a parting round of applause for our awesome. Chalo. Alia ji, Alia ji. Alia ji, backdrop pe bolo. Alia ji, ek photo. Alia ji.